नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सप्तक। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को सीएम आएंगे शिवहर व सीतामढ़ी और करेंगे विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार के 13 दिसंबर को शिवहर व सीतामढ़ी आगमन को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। संभावित स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही अधिकारियों की टीम निरीक्षण कर रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 5 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो सीतामढ़ी पुनौरा धाम पहुंचेंगे, जहां सीतामढ़ी माता सीता का दर्शन करने के साथ विकास कार्यों की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवहर के बाद सीतामढ़ी पुनौरा धाम पहुंचेंगे। फिलहाल परसौनी की तस्वीर है और परसौनी की तस्वीर में हम आपको दिखा दें कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दुकान के आगे किस तरह से बांस बल्ले से घेराबंदी शुरू कर दी है। और आप पीछे की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ इस वक्त मुख्यमंत्री के आने को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे अभी परसौनी थाना की गाड़ी है और प्रशासन और यहाँ के अधिकारी इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ शिवहर सीतामढ़ी तो आएंगे, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था तो की गई है, लेकिन यहाँ जो दुकानदार हैं जिनको रोज दुकान खोलना है, रोज दुकान चलाना है, उन पे क्या असर पड़ेगा, हम यहाँ कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत किस तरह से महामारी के साथ घेराबंदी कर दी गई है, क्या ये दुकान खुलेंगे और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा या प्रशासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा दुकानदार को क्या कुछ बताया गया है। हम दुकानदार से बात करेंगे, क्या रहा है ये, इससे क्या असर पड़ेगा आपकी दुकान के आगे जो है बांस बल्ला घेर देते हैं। चैनल का वह दिन से धन्यवाद, ठीक है। और एक बात बनाने से दूसरी हम लोग को तो सबसे पहली चीज़ है कि दुकान में कस्टमर लोग को बहुत दिक्कत हो रही है और भले एक दिन ला या दो दिन के लिए हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें इनके आने से आना आने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इतना दिक्कत है यही कि ये बांस बनाने से जो है ना, इससे मतलब हम लोग को काफ़ी बिजनेस पे असर पड़ जाता है, ठीक है। और अभी तक सुबह से हो गई है, बांस बनाने के कारण कई कस्टमर वापस से जी चले गए हैं, इनको गाड़ी लगाने की भी सुविधा नहीं मिलती है और दूसरी से गाड़ी अगर लग भी जाती है तो यहाँ प्रशासन करवा देते हैं, बदनाम कर देंगे। और यही लगता है कि हमको इस बांस बनाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ये जाएंगे जाने में कोई रुकावट हो नहीं आएगी, क्योंकि इनके साथ तो प्रशासन रहेगी नहीं, सुरक्षा जो है सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर जो है इस तरह के उपाय कर दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए कई बार बच्चे या कुछ लोग जो है सड़क के ऊपर जाते हैं, इस वजह से किया गया है। लेकिन साथ में ये तो प्रशासन की भी प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बताया गया आपको, प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या हिदायत दी गई है? कुछ नहीं अभी तक बताया, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ के दुकानदार हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आपको देख बता दें कि सीतामढ़ी जिला के परसौनी चौक की तस्वीर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़कों पे हर जगह हर दुकान के आगे बांस पल्ले लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ। आप दुकानदार हैं जी? दुकान ये जो है आपकी दुकान के आगे बांस पल्ले से घेर दिया, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? ग्राहक तो है आता है, कुछ अंदर नहीं जा पाता है, फिर लोग तो चला जाता है, और कहीं तो है ये है। लेकिन नीतीश कुमार आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन उसके हाथ में है, प्रशासन जो करेगा उसको तो मान लीजिए करना ही है, तो है ये है। तो आपको बता दें कल 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शिवहर और सीतामढ़ी में आगमन है। परसौनी चौक की तस्वीर है, आप देख सकते हैं प्रशासन तैयारी भी करी है और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए परसौनी चौक की तस्वीर है। और कल मुख्यमंत्री शिवहर आएंगे और शिवहर के रास्ते से सीतामढ़ी की तरफ निकलेंगे, पुनौरा धाम जाएंगे। अभी फिलहाल परसौनी चौक पे
दुकानदारों से बात करी थी, पास बल्ले के गिरे जाने के बाद उन पर क्या असर पड़ेगा? गलत कर रहा है, गलत किया, गलत कर रहा है। हाँ क्यों गलत कहा है? हम गलत कैसे है? गलत कैसे है? गलत कैसे है कि हमने ये नाउन डाउन जो बंद कर दिया, उसको कहे ना उसको आ रहा है तो कहे बंद कर रहे हैं, कंडी के ऊपर काम कर रहा है, मनमाना काम कर रहा है, ध्यान में जो मन हो कर रहा है। सरकार है, सरकार सरकार है तो क्या करेगा? सरकार हम जनता सरकार है, सरकार सरकार का भी वही है, फर्क पड़ेगा जब जमानत नहीं बचेगा, इस बार जमानत नहीं बचा हुआ, मोदी जिंदाबाद। हाँ मोदी जी भी आएंगे तो यही होगा, मोदी जी ऐसा करने वाले थोड़ी होगा, नहीं वो तो है उनका दौर भर नहीं है, कहला किसी को मरवाए हुए नहीं ना है, ओ, है किसी को मरवाए नहीं। हाँ ये लोग तो ऐसा काम किए हुए तब डर से मारे बनभा रहा है, बेढ़ा टेढ़ा पुलिस शासन फलना चिलना, जमानत न बचेगा 15 में 14 में, देखे न आप इनका नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार का जमानत नहीं बचे? नहीं मेरा घर पड़ता है कोरोना घर, नाम हुआ निर्देशक था, बैस है, बैस है। तो आप तो जात पात की राजनीति करेंगे? नहीं जात 2-5 किलो में खराब मिश्री खिला रहा है, 5 साल और खिलाया। कहीं मोदी जी भी जो है वैसे समाज से आते हैं, इसलिए कहीं उनका पक्ष तो नहीं ले रहे? काम पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं, काम पर वोट नहीं। हाँ क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा कि हम लोग गरीब आदमी है, कमाते हैं खाते हैं, तो 700 रुपया कमाते हैं, कल नहीं होगा। तो आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के आगमन पर इस वक्त यहाँ प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और यहां प्रशासनिक पदाधिकारी इस वक्त निरीक्षण में लगे हुए हैं। तस्वीर सीतामढ़ी जिला के परसुनी चौक की तस्वीर है, जहां कल 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी रास्ते से शिवहर जिला आएंगे, वहां 5 कार्यों का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला सीधा पुनौरा धाम जाएगा। फिलहाल तस्वीर परसोनी चौक की है और आप लोगों का इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर जब तक।